खामखा मेरे 100 रुपए बर्बाद हो गए इन पतंगों के चक्कर में। मेरा पूरा महीने का बजट खराब हो गया। और आप लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत करना मेरी तरह। एक, दो, तीन, चार। माँ। हाँ। मुझे पतंग दो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। पतंग? अच्छा ठीक है, अभी देती हूँ। पर अगर इसे सारी पतंग दे दी तो कहीं। माँ, मेरी सारी पतंगे कट गई, अब मुझे और पतंगे चाहिए। क्या? सारी पतंगे कट गई? ठीक है, तू ये ले जा। तू इसे ले जाकर अपने लिए ढेर सारी पतंगे ले आ। ठीक है माँ। माँ। हाँ? फिर से सारी पतंगे कट गई। क्या? फिर से? हाँ, अब मुझे और पतंगे चाहिए। पर अब तो मेरे पास कुछ ही नहीं सिवाय इन चिल्लरों के, अब इन्हीं से काम चला ले बेटा। लेकिन माँ, इनसे क्या होगा? ठीक है, अब मैं घर बेच के ढेर सारी पतंगे लूंगा। नहीं बेटा, ऐसे मत कर। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। रुको। नहीं नहीं, इस तरह से तो मेरी सारी चीजें बिक जाएंगी। माँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तू एक काम कर, ये एक पतंग ले जा और इससे ही काम चला। क्या, बस एक? ये माँ भी ना कभी नहीं सुधरी। माँ ये देखो, अब तो मेरी ये भी पतंग फट गई, अब तो मुझे दूसरी लाकर दे दो। क्या, फट भी गई? अच्छा तू रुक, ला दे, मैं अभी कुछ करती हूँ। ये सही से उड़ेगी। ये ले बेटा, तू ये ले जा। बोलो बेटा। अरे आंटी, मम्मी ने आपके लिए तिल की चिक्की भेजी है। अरे ये तो कितनी सारी है। वैसे आंटी आपने नहीं बनाई? हाँ बनाई है ना, तो जरा मुझे भी टेस्ट कराइए, मैं भी तो देखूं कैसी बनी है। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है किसी को खाली डिब्बा नहीं देना चाहिए। अच्छा रुको, अभी लाई। अरे ये कंजूस आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई? ये लो बेटा, जरा डिब्बा खोलकर तो देखो। रहने दीजिए आंटी, मेरा देख कर ही पेट भर गया। और वैसे भी इतनी सी चिक्की के लिए इतना बड़ा डिब्बा थोड़ी लेकर जाऊंगी मैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप ही खाइए, थैंक यू कंजूस। अरे इतनी चिक्की बच गई है, कोई बात नहीं, किसी और को दे दूंगी। हाँ बेटा। आप पतंग तो लेके आई पर मांजा तो लाया ही नहीं, अब मैं पतंग कैसे उड़ाऊं? अच्छा रुक। ये इससे कौन पतंग उड़ाता है? इससे मैं कैसे पतंग उड़ाऊंगी? अरे जब तेरी उम्र की थी तो इसी से पतंग बांधकर सारे शहर के चक्कर लगाती थी, बड़ा मजा आता था। मम्मा वो आपका जमाना था। चुप कर, मैं
इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई, जा ये ले जा। यार मम्मा को तो कुछ कहना ही बेकार है। मुझे वो चाहिए, व्हाइट वाली पतंग चाहिए। मुझे वो वाली। माँ हम जा रहे पतंग उड़ाने और हमने सारी सेफ्टीज का भी ध्यान रखा है। चल चुटकी। रुको मैं भी आ रही हूँ तुम लोग के साथ पतंग उड़ाने। रुको जाओ पर जरा संभल के किसी को चोट ना लग जाए। अब पतंग उड़ाने में क्या लगेगा मम्मा, आप भी ना। मैं तुम्हारे बारे में नहीं उन मासूम पंछियों के बारे में कह रही हूँ। हर साल उन्हें हमारी वजह से न जाने कितनी चोट पहुँचती है, कुछ तो बेचारे मर भी जाते हैं, पर हमें क्या, हमें तो अपनी एंजॉयमेंट से मतलब है। ठीक है तुम लोग जाओ वरना तुम न जाने मेरे बारे में क्या सोचोगे। जाओ मजे करो। मम्मा मुझे नहीं उड़ानी पतंग। मुझे भी नहीं, आज के बाद मैं पतंग कभी नहीं उड़ाऊंगा। आंटी हो तो आप बड़ी कंजूस, पर आज पहली बार आपने कुछ सही बात कही है। मान गए आपको और आपकी सोच को, अगर ये लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे तो मैं भी नहीं उड़ाऊंगी। क्या मैं कंजूस? मुझे ना एक स्टाइलिश साड़ी चाहिए, मार्केट में नई आई है, वर्मा जी की पत्नी ने भी कल पहन रखा था, कितनी सुंदर लग रही थी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? साड़ी कितने की है? 50,000 की। क्या 50,000 की साड़ी? इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, 3 महीने कमाऊंगा तब जाके इतने पैसे जमा होंगे, और मैं 50,000 की साड़ी आपको दे दूं खरीद के तो घर कैसे चलेगा। ऐसा करो रहने देते हैं, फिर कभी और देखते हैं। ऐसे भी साड़ी में आप कितनी प्यारी लग रही हो। फिर आप मेरी बात को टाल रहे हैं, आपकी यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बार बार एक ही बकवास। सुनीता एक गिलास पानी लाना। सुनीता एक गिलास पानी देना। थैंक यू। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। ठीक है जाओ पढ़ाई करो। तुम बार बार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा सुनीता? रीता के स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, घर के खर्चे हैं, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं ये सब कुछ नहीं जानती। जब आप मुझे कुछ अच्छी चीजें नहीं लाके दे सकते तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने किस बात की कमी रखी है? सब कुछ तो है अपने पास। आपसे तो बात ही करना बेकार है, रोज रोज की किटपिट से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं जब अपने पापा के घर पे थी मेरे पैर जमीन पे कभी कभी पड़ते थे। मैं छोटी सी काम के लिए भी अपने कार से जाती थी। 10 नौकर चाकर थे हमारे घर में। ऐसी होती है जिंदगी। पता नहीं पापा ने आप में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी करवा दी है। ठीक है तुम ही संभालो घर को, मैं जा रहा हूँ।
जाइए, मैं आपसे ज्यादा पैसे कमा लूंगी। ठीक है। हेलो मैम। आइए। बताइए। मैम मेरे पास एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। बताइए क्या प्लान है आपका? मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो क्या हुआ मैम, अगर आप चाहें तो किसी और से इन्वेस्टमेंट करा के और आपको पर व्यक्ति 10% मिलेंगे। पर व्यक्ति? हाँ। 10%? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ, एक प्लान है बहुत अच्छा है, करना है। मेरी फ्रेंड भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। ओके हाँ, इन्वेस्ट कर लें। ठीक है ओके बाय। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। हाँ मैम, आपके 10% पर व्यक्ति आपको मिल जाएंगे और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। थैंक यू मैम। वाह, 10%। अरे वाह, पैसे आने शुरू हो गए, वो भी 20,000, पहली बार में 20,000 रुपए। वाह, अरे 50,000, वाह। अरे वाह, फिर से 1,00,000। ओह माय गॉड, 1,00,000। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, 1,00,000 रुपए। कहाँ हो? देखा, मैंने खरीद लिया ना 50,000 की महंगी वाली साड़ी। मैंने जो चाह वो मैंने कर लिया, समझे? हेलो, क्या अब क्या? आप कहां से बोल रहे हैं? आप ये सब आपको कैसे पता है? प्लीज आप मुझे बताइए। मामा, क्या हुआ मामा? आगे खोल लो मामा। मामा, जल्दी आ जाइए, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। मम्मा तो उठ ही नहीं रही है। हाँ जल्दी आ जाइए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी। क्या हुआ, ठीक हो ना? कमा लिए पैसे?
वैसे सारी चीजें मैंने ही करवाए थे। मेरा मतलब तुम्हें समझाना था। हाँ मम्मी, पापा ने मुझे बोला था ऐसे करने के लिए, सॉरी मम्मी। किसी भी इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि वो सारे रिश्ते मर्यादों को भूल जाए, बदजुवानी करे, दूसरों को नीचा दिखाए। वैसे भी एक चीज और, तुम भी सुनो और आप भी सुन लीजिए, कभी भी किसी को अपना OTP नंबर ना शेयर करें। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आजा बेटा। खुश रहने के लिए पैसे नहीं, अपनों का साथ ज्यादा जरूरी होती है। हैप्पी फैमिली।